Good morning, students. Today we will discuss class plus 1 unit 1 exercise 1.1. तो unit 1 में पहले sets के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो first of all पहले तो set क्या होता है. तो set एक collection होता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि हम बुक में देख सकते हैं. तो पहला होगा सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. तो सेट क्या होगा पहले, तो जैसे कि हम एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं. तो यहां भी ये लिखा है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर काइंड सच एज द पैक ऑफ कार्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम. इसका मतलब क्या हुआ कि सेट एक कलेक्शन होगा पर्टिकुलर काइंड का जो चेंज ना हो सके. जैसे पैक ऑफ कार्ड, जैसे ताश की एक पूरे के पूरे पैक में 52 कार्ड्स होते हैं तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा. और एक क्रिकेट टीम, तो एक क्रिकेट टीम में आज जितने खिलाड़ी हैं वो अगले साल या पिछले साल या बहुत टाइम के बाद भी उतने ही रहेंगे. जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं बुक में. फर्स्ट लिखा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से कम नेचुरल नंबर राइट करें, 1, 3, 5, 7, 9. तो ये नेचुरल नंबर फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे. रिवर्स इन इंडिया, ये भी फिक्स हैं. द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी फिक्स्ड ही रहेगा. वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, ये भी फिक्स है. प्राइम फैक्टर ऑफ 210, ये भी फिक्स है. द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन. तो जो भी कलेक्शन क्या होगी, फिक्स होगी या पर्टिकुलर काइंड में होगी, वो सेट कहलाएगी. तो हम तो हमारे पास सेट का एक, जैसे सेट होगा तो वेल डेफिनेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, उसे हम सेट बोलेंगे. अब हम सेट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं सभी मैथमेटिकल टर्म्स की. जैसे n नेचुरल नंबर, z इंटीजर, q और रैशनल नंबर, r रियल नंबर. z पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर z नेगेटिव लिखा हो तो नेगेटिव इंटीजर. q पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, r पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर. तो सेट बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर और टेबलर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये दो टाइप्स हैं. तो फर्स्ट जो रोस्टर फॉर्म है उसमें हम जो एलिमेंट्स को सेपरेट ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे ऑल द एलिमेंट आर सेट आर लिस्टेड इन द एलिमेंट टू बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड और ब्रैकेट्स. तो अब हम राइट कर लेते हैं पहले सेट की. सेट क्या होता है, सेट क्या होता है? तो सेट होता है अ कलेक्शन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स of a particular kind. Particular kind. इसको हम सेट बोलते हैं. सेट होगा ऐसे जो पर्टिकुलर काइंड में कलेक्शन की जा सके. इसका बेसिक एग्जाम्पल है फर्स्ट
A cricket team और दूसरा भी लिख लेते हैं काइंड ऑफ ट्राइंगल्स या एंड नेक्स्ट रहता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। जैसे एन को रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और जेड को सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड क्यू रैशनल नंबर। एंड आर रियल नंबर। एंड नेक्स्ट इज जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव होगा पॉजिटिव इंटीजर्स एंड क्यू पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड आर पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। दोबारा देख लेते हैं, सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अ पर्टिकुलर काइंड, ऐसा कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर काइंड में किया जा सके। इसके एग्जांपल है अ क्रिकेट टीम, काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। तो आगे रिप्रेजेंटेशन है इसका कि सेट को वेरियस काइंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट होगा नेचुरल नंबर, सेकंड जेड को सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू रैशनल नंबर, आर रियल नंबर, जेड पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्यू पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड लास्ट इज आर पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर। तो बेसिकली सेट्स के दो टाइप्स रहते हैं, सेट के दो टाइप्स रहते हैं। तो फर्स्ट रहेगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबलर भी इसका सेकंड नेम है। टेबलर फॉर्म और इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म तो जो रोस्टर और टेबलर फॉर्म में फर्स्ट जो फॉर्म रहती है वो हमारे पास रहती है, फॉर्म रहती है रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म रहती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं वो हम सेपरेट ब्रैकेट में लिखते हैं, ऑल द एलिमेंट्स, ऑफ ए सेट आर लिस्टेड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज ब्रैकेट।
and close within brackets. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोस्टर फॉर्म है वो इस टाइप के ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, जैसे सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, हमें अगर सेट लिखना है इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, और जैसे हमें कोई वर्ड लिखना है, वर्ड हम राइट कर रहे हैं इसके एग्जांपल, हमें जैसे वर्ड दिया है स्कूल, हमें ये राइट करना है किसकी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो हम लिखेंगे एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ एल, हम रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं कोई भी अल्फाबेट और नंबर, हम बार बार रीकाउंट नहीं करेंगे इसको, तो ये इसका सेकंड फॉर्म था। इसी के साथ हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी को एक लार्ज एक्सटेंड में लिखते हैं, पूरे के पूरे उस एलिमेंट को एक आउटसाइड सेट में लिखेंगे, जैसे कि वॉवल्स हैं हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास दोबारा लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू, तो हम क्या करेंगे, वी लिखेंगे वॉवल्स के लिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको हम ऐसे राइट करेंगे। और इसकी डेफिनेशन रहती है, सिंपल सी लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possess a single comma property, single common property, property। हमारे पास दो टाइप्स के, हमने दो टाइप्स के फॉर्म पढ़े, रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म था, इस फॉर्म में हमने जो एलिमेंट थे वो एक सेपरेट ऑर्डर में लिखे, ठीक है, जैसे कि ये एलिमेंट लिखा हमने, इसका फॉर्म था सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो लेस देन 7 क्या है 2, 4, 6, पर इवन भी होना चाहिए। स्कूल, स्कूल को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, एस अलग सी अलग एच अलग, ओ दो बार था तो एक बार लिखा और एल भी एक बार। सेट बिल्डर फॉर्म में हम पूरे के पूरे सेट को, जैसे ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये वॉवल्स है, तो हमने ऐसे लिखा है x such that x is a vowel in English alphabet, इसकी डेफिनेशन रहती है ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी, हमने ये सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी में रिप्रेजेंट किया है।